ट्रेन जा रही, गाड़ी आई गाड़ी आई, बहुत अरसे बाद ट्रेन देखी है और ब्रेक लगती है, रुक गई। हम लोग तो पहुंच गए हैं पाजी के घर। चल धीरे ने कहना ना ना आया मामा, ना ना आया इतना कैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमैल वसीम, कैसे हैं आप सब जी? अभी हम लोग आ गए हैं। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तबीयत बहुत ख़राब है, अभी थोड़ी सी ठीक हुई है। तो अभी हम आए हैं मेरी बहन की तरफ, वेलकम ब्राउन करती हूँ, आपके बच्चों से भी मिलवाती हूँ। मानो कह रही मुझे भी तो थोड़ी सी आराम से राफिया जी अपनी जुलड़ी मुझे दिखा रही है, कितनी सालों पुरानी जुलड़ी है मेरी। सालों पुरानी का पहने ये क्या ब्रेसलेट है? नहीं। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। छुट्टियाँ क्या जा रहे स्कूल? आज छुट्टी थी। तबीयत ठीक होगी मामा घर से? तबीयत नहीं ठीक। हाय दे देते हैं गाली। जोड़ लेते हो सही? नहीं ये क्या वही ना जिसे बोतल को बनता है। अच्छा ठीक। कितना? हाँ लोहे का भारी है। आप भी आ जाओ उधर, उधर आके खेल लो। हाँ एमू अब बाय करिए, एमू अपने चाचू के कमरे में आ गई। आ जाओ बाय बाय। वीडियो को लाइक करो शेयर करो। कहती डेटा सुनो है, कहती है आ जाओ। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, लाइट बंद कर लो, कोई भी नहीं आ रहा। आ गई मैं इधर तेरे पीछे, इधर आ। वाओ ये मूवी डोल है। वाह भैया दो इधर खेल रहे हैं। बेबी क्या देख रही? बेबी कार्टून देख रही है। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। राफिया नाराज हो गई, इधर आओ राफिया इधर। हाँ तो इधर आओ। जैफा भी इधर खड़ा। जैफा को भी नींद आ रही है, वर्दा को भी नींद आ रही। मैंने मुँह में नहीं डालते, मोबाइल नो खराब हो जाएगा। वसीम इधर रेस्ट कर रहे हैं, वसीम की तबीयत नहीं ठीक कुछ। वापसी पे जाना है खाला की तरफ, आपकी अम्मी की तरफ जाना कुछ ठीक। ये क्या खा रहा है? पक्षी क्या कहते हैं? फक्की पक्की ही फक्की क्या हमारा ब्लॉग ने हम गाड़ी पे स्टंट मार रहे हैं। तो अभी हम लोग अंदर बैठे हैं, बाजी बारी खाना शाना बना लिया। और मानो मेरी इधर की चल भी मार भी ली शहजाद अंकल। चल चल अब स्टॉपी उधर से मार है और वीली वो देखो किधर जा रहा है लल्लू राम। मार वीली मार वीली, एंड पे नहीं मारनी। कैसी अब स्टॉपी करूं मार। ऐसे ये बंद होता है स्कूल है? हाँ चूल है। दिखाओ खोलो इसको, ओपन करो ये देखें जी। वाह भाई वाह, सारा कुछ बना हुआ है। ये कंप्यूटर लगा हुआ है, ये चेयर पड़ी हुई है, ये ये वॉशरूम है क्या? किचन है ये क्या? वाह पीछे एड्रेस डॉल के दिखाओ। ये देखो ये वॉशरूम कितना प्यारा बनाया हुआ है, ये देखे ना यहाँ पे दरवाजा भी लगातार आ रहा है।
आ रहा है वरना यहाँ पे मिट्टी भी है बच्चों के खेलने के लिए। कितना खूबसूरत बनाया है। ये 50 रुपए का लिया था बस। यहाँ पे लाड का माल बहुत लगता है बाजी के बाजार में, तो बहुत प्यारे प्यारे ऊपर करो मानो देखे ऊपर रखो कह रहे हैं वर्दा देखे खुश होगी। ओए वाह ग्रीन वाले को मैंने काटी। ये कौन लेके आया, किसने रखा है? अली बेबी देख रही है। इसका नाम है चौस का, ब्लू वाली का नाम है। हाँ बेड पे पानी गिरेगा। यहाँ जी जो हमारा खाना आ गया, मिर्ची सब्जियाँ बनाई बाजी ने। नो 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 मानो आपको और आइजी है ना, और चावल है साथ ही सालन है वेजिटेबल वाले। तभी हम लोग जी अपना खाना खाते हैं, मानो भी राइस करी। आओ जाए पाओ पर आओ दली बैठो। क्या हमें बाजी घर आए जो काफ़ी टाइम हो गया था, अभी हम लोग जाने लगे घर। खाना छाना खा लिया, काफ़ी गप्पे शप्पे की, दली नींद आ रही बहुत ज़्यादा नींद आ रही। चलो कैटो पापा पास, चलो कैटो पापा पास, अभी जी हम लोग जा रहे हैं घर। सीम कह रहे हैं रुक के ना कहीं से बोतल पीऊंगा, मैं दिल कर रहा है मैंने ठंडी सी बोतल पीऊं। और मानो को भी नींद नहीं आ रही है ना, जैफा भाई को नींद आ रही है, आपको नहीं आ रही? जैफा नींद आ रही है ना, आ रही है? शॉप पर है ना, इधर रख देते वो सर रख के सो जाएगा। सीम गए हैं बोतल लेने गए हैं। हुज़ैफ़ा मेरा जी सो गया, इतना थक गया था कि बाइक के ऊपर ही सो गया। वसीम और नान के वहाँ ना कोकर से बोतल लेने, वसीम कह रहे मेरा दिल कर रहा है स्प्राइट की बोतल पीने को। मैंने सेवन अप गए थे तो लेकर स्ट्रिंग के आगे, मैं कह रही हूँ वर्दा को आगे बैठा कर ना, जैफा मुझे पीछे पकड़ा दें। बाप ले पकड़ो नान, पकड़ लो। हुज़ैफ़ा को बहुत नींद आ रही ना, सो जा। मैंने कहा मैं हुज़ैफ़ा को पीछे पकड़े थे, वर्दा को आगे बैठा दिया नान के साथ। वसीम अभी गया था दूध लेने, दूध ले गया था फिर हम लोग चलते। सो जा मेरा बेटा, अभी पीछे पकड़ लो। ये चूचा तो मुझे वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है। जैफा लिए ले रहे हैं ना, जैफा लिए जम केले ले रहे हैं, जैफा को केले बहुत पसंद है, ज़्यादा ले लिए जैफा लिए। क्या हम लोग जब भी घर आ गए, गैस हमारी चली गई थी, तो अभी सिलेंडर पर जो बच्चे का दूध तो बॉइल कर रही, इतनी मुझे नींद आ रही है और कानों में इतनी दर्द है, इतने कान स्वेल हुए ना, ये देखिए कितने मोटा हुआ है कि मैं अपने आप से कह रही कि शुमाइला तुमने क्यों कान की दवाई हो, जो नीचे वाला मास है थोड़ा सॉफ्ट होता है, ऊपर जाके देखे सख्त हो जाता है। और इतनी स्वेलिंग हुई है मेरे कान पे, मैंने ट्यूब भी लगाई बाजी के करना, पर दर्द है कि ठीक होने का नाम नहीं ले। अगर आप में से किसी को पता है कान की दर्द कैसे जाएगी तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होगी नाश्ते में।